देखिए बच्चों, कल के वीडियो में मैंने आपको मैट्रिक्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिखाया था, लेकिन गुणनफल मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन मैंने नहीं सिखाई थी, क्योंकि बहुत स्पेशल होती है। अब इस वीडियो में हम सिर्फ मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करनी सीखेंगे। क्वेश्चन के लिए तो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इसे आप सीख लें एक बार फोकस करके। 5-7 मिनट की वीडियो होगी, एक बार इसे ध्यान से समझना, ठीक है ना। अगर हमें दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करनी है, एक मैट्रिक्स ए और एक मैट्रिक्स बी, सबसे पहले आप इनके ऑर्डर पे ध्यान दें। अगर आप इसकी ऑर्डर मतलब कोटि, इसकी आप कोटि पर ध्यान देंगे, इसमें दो रो हैं और तीन कॉलम हैं, तो इसकी होगी 2 × 3। अगर आप इसकी कोटि पर ध्यान दें, इसमें तीन रो हैं और दो कॉलम हैं, इसकी होगी 3 × 2। यानी पहली चीज तो आपने यही नोटिस की कि दोनों का ऑर्डर सेम होना जरूरी नहीं है। जैसे योगफल में हमने देखा था कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऑर्डर मतलब कोटि, ठीक है ना। दोनों अवयवों की कोटि सेम होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। सेम हो, अलग अलग भी हो जाए तो चल जाएगी। एक कंडीशन है, वो मैं थोड़ी देर में बताऊंगा कि किस वजह से हमें पता चलता है कि इनकी मल्टीप्लाई हो सकती है कि नहीं। सारी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई नहीं होती है, कुछ की होती है और कुछ की नहीं होती, कुछ कंडीशन है। लेकिन पहले आप मल्टीप्लाई करना सीखेंगे, दोनों साइड से करेंगे, ए बी और बी ए, ये दो अलग अलग चीजें होती हैं इसमें। तो मैं पहले आपको ए बी फाइंड करके दिखाता हूँ। यानी पहले मैट्रिक्स ए लिख लेता हूँ, ए ए बी का मतलब है ए और बी की मल्टीप्लाई। पहले हमने ए लिखी, फिर इसके साथ आप यहाँ पर बी को लिख लेंगे, इतना काम आप कर लेंगे। अब ध्यान से समझना जो मैं बताने वाला हूँ, हमें मैट्रिक्स ए और बी की मल्टीप्लाई करनी है। देखो होगा क्या कि जब आप मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो रो की मल्टीप्लाई कॉलम वाइज होगी, पहली बात। यानी पंक्ति की मल्टीप्लाई स्तंभ में होगी, और मल्टीप्लाई का भी तरीका क्या होगा, जो संगत अवयव हैं उनकी होगी। मतलब अगर रो का पहला है तो कॉलम के पहले में होगी, रो का दूसरा एलिमेंट है उसकी कॉलम के दूसरे में होगी, रो का तीसरा एलिमेंट है उसकी कॉलम के तीसरे में होगी, और इस तरीके से आपको एक एलिमेंट मिलेगा यहाँ पर से। ध्यान से समझना, देखो मैं करके दिखाता हूँ। यहाँ पहली रो ली हमने, पहला कॉलम लिया, पहली रो पहला कॉलम, रो की मल्टीप्लाई कॉलम वाइज होगी। रो का पहला एलिमेंट है 2, कॉलम का पहला एलिमेंट है 1, 2 और 1 की मल्टीप्लाई करा दें आपको 2 मिल जाएगा। फिर आप प्लस का निशान लगाएंगे, फिर इन एलिमेंट को लीजिए, रो का दूसरा एलिमेंट है 3, उसका दूसरा एलिमेंट है 4, 3 और 4 की आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 × 4 = 12 हो जाएगा। फिर रो का तीसरा 1, कॉलम का तीसरा 3, 1 और 3 की आप मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 × 3 = 3। इस तरीके से ये एक एलिमेंट मिला, क्योंकि आपने पहली रो और पहला कॉलम लिया था तो ये पहली रो का पहला एलिमेंट मिला। अब अगर आप पहली रो और दूसरा कॉलम लेंगे तो पहली रो का दूसरा एलिमेंट मिलेगा आपको। समझ रहे हैं ना बात को? पहली रो का पहला एलिमेंट कब मिला? जब आपने पहली रो और पहला कॉलम लिया। पहली रो का दूसरा एलिमेंट जब मिलेगा? जब आप पहली रो और दूसरा कॉलम लेंगे। तो सेम वही प्रोसीजर है, रो का पहला एलिमेंट 2 है, इस बार ये कॉलम देख रहे हैं, सेकंड वाला, रो का पहला 2 है, कॉलम का पहला 2 है, 2 और 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 4, फिर प्लस का निशान लगाएंगे। रो का दूसरा है 3, उस कॉलम का दूसरा है 5, 3 और 5 की मल्टीप्लाई होगी 15, फिर प्लस करेंगे आप, 1 और 1 की मल्टीप्लाई होगी 1। समझ में आया? अब आप दूसरी रो पर चलेंगे, क्योंकि वहां आगे कॉलम खत्म हो गए तो आगे और एलिमेंट हमें नहीं मिलेंगे। अब जब वहां कॉलम खत्म हो गए तो आप नेक्स्ट रो पर आ जाएंगे, और यहां से नेक्स्ट रो सिलेक्ट करेंगे। दूसरी रो क्या है? 4 1 5, और 1 by 1 यही काम होगा। दूसरी रो का पहला एलिमेंट चाहिए हमें, तो दूसरी रो और पहला कॉलम लेंगे, तरीका वही है, रो के पहले की कॉलम के पहले के साथ 4 की 1 में कराएंगे, 4 आएगा, प्लस 1 की 4 में मल्टीप्लाई कराएंगे, 4 आ जाएगा, 5 की मल्टीप्लाई 3 में कराएंगे, 15 आएगा, ठीक है। बीच में प्लस लगाते चलेंगे आप, फिर ये रो और दूसरे कॉलम पर आ जाएंगे, 4 की आप 2 में मल्टीप्लाई कराएंगे, 8, फिर प्लस करेंगे यहाँ पर, 1 की 5 में मल्टीप्लाई कराएंगे, 5, और तीसरा एलिमेंट ये 5 है और ये 1 है, 5 1 = 5 हो जाएगा। अब बस अब इनको सिंपलीफाई करके आप लिख देंगे, ठीक है ना। कितना होगा ये? 17 हो जाएगा, ये वाला 20, एंड दिस वन इज आपका 23 और 18, ठीक है।
तो इस तरीके से अगर आप ध्यान से देखें इसका ऑर्डर कितना होगा, 2 × 2 होगा, क्योंकि दो रो बनेंगी, दो कॉलम बनेंगे। देखिए उनके ऑर्डर कुछ और थे, मल्टीप्लाई कराने के बाद ऑर्डर कुछ और मिला। इन ऑर्डर में ना कुछ रिलेशन है, उसे थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, पहले हम मल्टीप्लाई करनी सीखते हैं। उम्मीद है थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आया होगा, ज़्यादा नहीं आता है, मल्टीप्लाई की प्रैक्टिस करनी पड़ती है जब स्टार्टिंग होती है। बहुत अजीब सी कहानी है सारी, आप इस वीडियो को दो बार देखेंगे, ठीक है? इसलिए मैं बहुत छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ ये वाला, सिर्फ इसमें मैं ए बी और बी ए फाइंड करके दिखाता हूँ आपको। बी ए ले लेते हैं, बी ए का मतलब है कि पहले बी लिखेंगे, पहले हम बी लिख देते हैं 1 4 3, ये बी लिखी हमने, और फिर ए लिखेंगे इसके साथ, ए है 2 3 1 4 1 5। अब दोनों की हम मल्टीप्लाई कराते हैं, दोनों की मल्टीप्लाई कराएंगे। मल्टीप्लाई का बेसिक तरीका वही है, रो की मल्टीप्लाई कॉलम वाइज होगी, ठीक है? अब यहाँ रो के अंदर दो एलिमेंट हैं, कॉलम के अंदर भी दो हैं, हमें ये वाला एलिमेंट चाहिए, पहली रो का पहला ही, तो पहली रो लेंगे और यहाँ से पहला कॉलम लेंगे। रो के अंदर दो एलिमेंट, कॉलम के अंदर भी दो एलिमेंट, पहले एलिमेंट की पहले में, दूसरे एलिमेंट की दूसरे में। 1 की मल्टीप्लाई आप 2 में करेंगे, 2 हो जाएगा, फिर यहाँ प्लस का निशान लगाएंगे। 2 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 2 × 4 = 8 मिलेगा आपको, ठीक है? फिर दूसरा एलिमेंट चाहिए, पहली रो और ये दूसरा। 1 की मल्टीप्लाई आप 3 में कराएंगे, 3 मिल जाएगा, फिर प्लस 2 की मल्टीप्लाई 1 में कराएंगे, 2 मिल जाएगा आपको, सही है? ठीक है, अब पहली रो और तीसरे कॉलम पर आ जाइए, 1 और यहाँ भी 1, 1 और 1 की मल्टीप्लाई 1 होगी, 2 और 5 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 10। उम्मीद है ये पहली रो समझ में आई होगी आपको, क्योंकि कॉलम उधर खत्म हो गए, तो इसमें सिर्फ ये 3 ही एलिमेंट होंगे। अब आप नेक्स्ट रो पर आएंगे, दूसरी रो पर आएंगे, तो यहाँ से दूसरी रो उठा लीजिए, दूसरी रो है 4 5, और 1 by 1 कॉलम चेंज करते चलेंगे। पहला एलिमेंट चाहिए तो दूसरी रो पहला कॉलम, 4 की 2 में कराएंगे, 4 × 2 = 8, प्लस 5 की 4 में कराएंगे, 5 × 4 = 20। फिर दूसरी रो का दूसरा एलिमेंट, तो दूसरा कॉलम लेंगे, दूसरी रो दूसरा कॉलम, 4 × 3 = 12, और प्लस 5 × 1 = 5। उम्मीद है अब समझ में आना स्टार्ट हो गया होगा आपको। 4 की मल्टीप्लाई 1 में कराएंगे, 4 होगा, और 5 × 5 = 25, ठीक है? तीसरी रो पर आ गए, तीसरी रो ये ले ली हमने, फिर कॉलम लिया 3 × 2 = 6, और 1 × 4 = 4, फिर 3 × 3 = 9, और 1 × 1 = 1, और ये हो जाएगा 3 + 5, ठीक है ना, 3 + 5। अब मल्टीप्लाई करा दी हमने और सबको सिंपलीफाई करके लिख देते हैं, ये 10 हो जाएगा, ये 5, 10 और 1 = 11, 28, 17, 29, 10, 10 and 8। इस तरीके से आपने देखा ए बी, ए बी कितना आया था, ए और बी की मल्टीप्लाई आई थी ये वाली मैट्रिक्स, बी और ए की मल्टीप्लाई ये वाली मैट्रिक्स आई, और इसका ऑर्डर है 3 × 3। तो यहाँ से आपने एक तो यही कंक्लूजन ले लिया होगा कि ए बी और बी ए दोनों इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है ना? ये आप व्यू के सीक्वेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप पहले किसे लेते हैं और बाद में किसे लेते हैं। अगर आपने ए पहले लिया, बी बाद में लिया, तो आंसर ये आया। आपने बी को पहले लिखा, ए को बाद में लिखा, तो आंसर ये आया। ओके, अच्छा अब कंडीशन की बात कर लेते हैं कि मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कब पॉसिबल होती है, कि दो मैट्रिक्स का गुणनफल हम कब कह सकते हैं कि ये गुणनफल के योग्य हैं या नहीं है, गुणनफल हो सकता है कि नहीं। देखिए जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई रो की कॉलम वाइज होती है, यही तो बताया मैंने आपको, ऐसे रो की मल्टीप्लाई कॉलम वाइज होगी, और पहले एलिमेंट की पहले में होगी, दूसरे की दूसरे में, और तीसरे की तीसरे में, इस तरीके से होती है। अब जितने एलिमेंट इस रो में है उतने ही एलिमेंट इस कॉलम में होने चाहिए, तभी तो मल्टीप्लाई हो पाएगी। अगर कॉलम में एलिमेंट कम रह गए, अगर सपोज यहाँ 2 ही एलिमेंट रह जाते, तो मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं थी। यानी मल्टीप्लाई होने के लिए क्या कंडीशन है, कि जितने एलिमेंट यहाँ पर होंगे उतने ही एलिमेंट यहाँ होने चाहिए। ध्यान से सुनना फिर से मेरी बात को, जितने एलिमेंट पहली मैट्रिक्स की रो में होंगे उतने ही एलिमेंट दूसरी मैट्रिक्स की कॉलम में होने चाहिए, और पहली मैट्रिक्स की रो में कितने एलिमेंट होंगे, जितने इसके कॉलम होंगे। कंफ्यूज हो गए ना, फिर से ध्यान से सुनिए, इसके अंदर 3 एलिमेंट है ना, मतलब इसमें 3 ही तो कॉलम है, तभी तो 3 एलिमेंट होंगे,
इसमें तीन कॉलम है इसलिए तो तीन एलिमेंट है ना। उसमें तीन एलिमेंट क्यों है? क्योंकि उसके अंदर तीन रो बनी हुई है, तीन रो बनी हुई है इसलिए तो तीन एलिमेंट है वहां पर, ठीक है ना। तो जितने पहले वाली के कॉलम हैं उतने ही दूसरी मैट्रिक्स के रो होने चाहिए। यानी अब मैं यहाँ पर कंडीशन लिखता हूँ कि दो मैट्रिक्स का गुणनफल कब पॉसिबल होता है। देखिए मैंने लिख दिया है यहाँ पर कि दो अवयवों का गुणनफल, यानी किन दो का, ए और बी का, पहले ए बाद में बी, ए और बी का गुणनफल तभी संभव है जब नंबर ऑफ कॉलम इन ए, मतलब ए में स्तंभों की संख्या और बी में पंक्तियों की संख्या बराबर होनी चाहिए। यही चीज मैंने यहाँ हिंदी में लिख दी है कि पहली मैट्रिक्स के स्तंभों की संख्या और दूसरी मैट्रिक्स के पंक्तियों की संख्या बराबर होनी चाहिए। अब हम चेक करते हैं यहाँ पॉसिबल था कि नहीं। जैसे जब हमने ए बी लिखा था, ए बी, अब ध्यान से सुनना, ए बी, ए के स्तंभों की संख्या कितनी है? तीन है। बाद में आते हैं कॉलम, पहले आती है रो। जब भी हम कोटी लिखते हैं पहले रो और बाद में कॉलम। ए के कॉलम तीन है, बी की रो कितनी है? तीन है, ठीक है ना। ए के नंबर ऑफ कॉलम तीन, बी के नंबर ऑफ रो तीन, दोनों बराबर हैं इसीलिए ए बी की मल्टीप्लाई संभव हो पाई। ओके, अब अगर हम बी ए की बात करें, बी ए तो बी का ऑर्डर कितना है? बी का ऑर्डर है 3 इंटू 2, बी का ऑर्डर 3 इंटू 2। ए का ऑर्डर कितना है? 2 इंटू 3। अब बी के नंबर ऑफ कॉलम 2 है ना, बाद में नंबर ऑफ कॉलम आते हैं, पहले नंबर ऑफ रो आते हैं, ए के नंबर ऑफ रो 2 है, दोनों बराबर हैं तो बी ए भी संभव है यहाँ पर। मतलब ए बी भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बी ए भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और हमने यहाँ पर करके देखे भी है। अब ये चीजें आपको ज्यादा समझ में आएंगी नहीं, अभी मुझे सिर्फ इस वीडियो में आपको मल्टीप्लाई सिखानी थी कि हम एक्चुअल में मल्टीप्लाई करते कैसे हैं। इनके बारे में हम एक वीडियो में और बात करेंगे फिलहाल कि हाँ ये क्या है, इनका कुछ यूज होता है एक्चुअली। मल्टीप्लाई करनी आपको आ गई कि नहीं ये बताना मुझे, उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, ठीक है ना। एक्सरसाइज के कौन से क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे वो देखो। जो एक्सरसाइज 3.2 है उसके फर्स्ट क्वेश्चन में दो थे, चौथा और पांचवा पार्ट थे, ए बी और बी ए फाइंड करने थे, एक तो आप ये करेंगे। उसके अलावा थर्ड क्वेश्चन में आपके 6 पार्ट दे रखे हैं, ये 6 के 6 पार्ट आपकी प्रैक्टिस कराएंगे। और मैं आपको बता दूं इसमें सेकंड आपको परेशान करेगा, इस थर्ड का सेकंड पार्ट जरूर आपको परेशान करेगा, बाकी मल्टीप्लीकेशन आपको आप कर लेंगे अगर ये समझ में आ गया होगा तो। तो आप पहले एक बार मुझे मल्टीप्लाई करके दिखाएंगे, आपको अगर मल्टीप्लाई समझ में आ जाती है तभी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये पोर्शन, कम समझ में आता है मल्टीप्लिकेशन। तो जो भी आपको कुछ प्रॉब्लम फेस आएंगी उन्हें नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो पहले आप एक बार मल्टीप्लाई करना सीखिए, ठीक है ना।